दाहोद लोको कैरेज एवं वेगन कारखाना पश्चिम रेलवे का सबसे पुराना कारखाना है, जहां भाप चलित इंजनों की पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होती है। यहां विद्युत लोको, मेमो और डेमो ट्रेन के डिब्बों का पीओएच तथा इलेक्ट्रिक लोगों का एमटीआर किया जाता है। ये कारखाना अपने कार्यक्षेत्र, इंस्टीट्यूट, स्कूलों और हाउसिंग कॉलोनी के साथ लगभग 68 एकड़ का एक समृद्ध विकसित क्षेत्र है। इस कारखाने की शुरुआत 1931 में स्टीम इंजनों के पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग के कार्य को लोअर परेल वर्कशॉप मुंबई के साथ साझा करते हुए हुई थी। प्रगतिशील युग में भारतीय रेल में विद्युत लोको का समावेश हुआ, जिसके फलस्वरूप स्टीम इंजनों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। इसके बाद कारखाने को इलेक्ट्रिक इंजन, मेमू, डेमू और टावर कारों के पीओएच का कार्य सौंपा गया। दाहोद कारखाने द्वारा सौंपे गए प्रत्येक कार्य को पूरी तत्परता से 100% सफलता के साथ पूरा किया गया है। आइए नजर डालते हैं कि कैसे इस कारखाने के इतिहास में नए अध्याय जुड़ते गए और नए आयाम हासिल होते रहे। 1992 बॉक्स वैगन के पुनरुद्धार के कार्य की शुरुआत, 1993 टिकट की एसपीटी मशीन के निर्माण के कार्य की शुरुआत, 1996 विद्युत इंजन के पीओएच के काम की शुरुआत, 1997 ढलाई शॉप द्वारा एक माह में 50,500 ब्रेक ब्लॉक निर्माण करने का रिकॉर्ड कायम, 1998 मेमो के पीओएच का कार्य प्रारंभ, 2002 चार और आठ पहियों की टावर वेगनों की मरम्मत का कार्य प्रारंभ, 2003 विद्युत लोगों के एमटीआर के कार्य की शुरुआत, 2012 दाहोद वर्कशॉप में नए WAG-7 लोगों की असेंबली के कार्य की शुरुआत, 2016 से डेमो कोचों के पीओएच की शुरुआत। दाहोद वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र ऐसी वर्कशॉप है जिसमें इलेक्ट्रिक इंजनों का मिड टर्म रिहैबिलिटेशन किया जाता है और यही इसकी मुख्य यूएसपी में से एक है। एमटीआर में वर्कशॉप के असाधारण कौशल के फलस्वरूप इंजन, विस्तृत संरक्षा मापदंड और बचत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्कशॉप में बेहतर नॉन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो अत्यंत उपयोगी और लाभप्रद है, जैसे रेलवे का अपना बांध कारी डैम, जिसमें लाखों लीटर बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। 33/11 केवी की क्षमता के पावर स्टेशन के अलावा काली डैम के पावर स्टेशन के माध्यम से भी वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति की जाती है। दाहोद वर्कशॉप के कर्मचारियों को एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्मित रेलवे क्वार्टर्स और रेलवे स्कूल के परिसर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। गत वर्षों में दाहोद कारखाने में कई नए महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए। 2016 से डेमो ट्रेन के डिब्बों की पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग शुरू की गई, तो वहीं दूसरी ओर आठ पहियों वाले DETC टावर वैगन की असेंबली का कार्य भी शुरू किया गया। इस वर्कशॉप को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ISO, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ISO, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में OHSAS, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO, कार्यस्थल में 5S का पालन करने, फ्यूजन वेल्डिंग क्वालिटी में सर्टिफिकेशन और हाल ही में एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकलिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स और वातावरण के हित में किए गए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इस वर्कशॉप में वैगनों की पीओएच क्षमता को बढ़ाकर 150 प्रतिमाह किए जाने के साथ ही 86,33,00,000 रुपए की लागत से इसका आधुनिकीकरण भी किया गया है। इससे वैगनों की उपलब्धता में इजाफा होगा। इसके साथ ही यहां 3-phase इलेक्ट्रिक लोगों के एमटीआर एवं पीओएच की क्षमता को भी बढ़ा गया है। इसी क्रम में यहां इलेक्ट्रिक लोगों के एमटीआर की क्षमता को भी 56 से बढ़ाकर 108 प्रतिमाह यानी दोगुना कर दिया गया है। इन कदमों से भारतीय रेलवे पर रोलिंग स्टॉक के रखरखाव और उपलब्धता में उल्लेखनीय प्रगति होगी। भारतीय रेल को जो देश की धड़कन है, प्रगतिशील बनाए रखने के लिए दाहोद वर्कशॉप हमेशा समर्पित रहेगी।